Good morning and welcome your students on MDN Education. Dear students, as you know that learning is a natural process. We keep learning from here and there because learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge makes you great. So dear students, we are going to discuss here, first of all, the syllabus of 10th class. And there are two books in our syllabus. The first is The First Flight, the second is Footprints Without Feet. And we are going to discuss here First Flight, first chapter, A Letter to God, written by G.L.Fuentes. Some words about the writers. Gregorio Lopez Y. Fuentes was born in November 17, 1897, and he was died in December 10, 1966. He was a Mexican novelist, poet, and journalist. He was one of the leading chronicles of the Mexican Revolution. The Mexican Revolution hui thi, it was happened in 1910 to 1920. Iske andar wo ek leading chronicles the. Jo pratishthit itihaskar the, chronicles means historian. तो जेल फ्यूंटिस भी एक लीडिंग क्रॉनिकल्स थे. हिज स्टोरीज वर सीन एज एक्साइटिंग, ह्यूमरस एंड सिंबॉलिक ऑफ मैक्सिको. उसकी कहानियों को जोश, उत्तेजना से भरी हुई एक फन के रूप में और मैक्सिको के सिंबल के रूप में देखा जाता था. ही हैज रिटन मैनी बुक्स इंक्लूडिंग कैंपामेंटो इन 1931, टियरा 1932, ऊना कार्टा अडायस इन 1940 मीन्स अ लेटर टू गॉड which we are going to discuss, and many more. And moreover, he was awarded by the National Prize of Arts and Science in 1935. And next, the theme of the chapter. Dear students, जो भी हम पढ़ते हैं उसका कुछ ना कुछ theme या message जरूर होता है. तो इस chapter का जो theme है या जो message है वो ये है कि this chapter conveys a message that faith can move a mountain. कि विश्वास पत्थर को भी हिला देता है, पत्थर को भी, पहाड़ को भी हिला सकता है. अ पर्सन शुड हैव सेल्फ रिलायंस विद इन हिमसेल्फ. मोर ओवर डोनेशन कैन चेंज द लाइफ ऑफ अ पर्सन, सो वी शुड डोनेट फॉर द नोबल कॉजेज. करेक्टराइजेशन, इसके अंदर मेनली थ्री करेक्टर्स हैं. लेंको जो इसका प्रोटेगोनिस्ट हैं, एंड द पोस्ट मास्टर एंड द पोस्टमैन. नेक्स्ट, नाउ अब हम पढ़ते हैं ब्रीफ समरी ऑफ द चैप्टर. लेंको वॉज अ पुअर फार्मर. ही लिव्ड विद हिज फैमिली इन अ हाउस. तो लेंको एक गरीब किसान था जो कि अपने परिवार के साथ रहता था. एंड इट वॉज ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. और जो घर था उसका वो एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर था. हिज फील्ड फुल ऑफ राइप कॉर्न वॉज सीन फ्रॉम हिज हाउस. और उसके घर से उसका, उसकी पकी हुई फसल का खेत देखा जा सकता था. एंड लेंको न्यू दैट हिज क्रॉप नीडेड अ सावर. और लेंको को पता था कि उसकी फसल को एक बोछार की आवश्यकता है. एंड ही नीडेड टुवर्ड्स द स्काई. तो इसलिए उसने आसमान की तरफ देखा. ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को कहा, दैट दे आर गोइंग टू गेट वाटर वेरी सून, कि उनको जल्दी ही पानी मिल जाएगा, वो जल्दी ही पानी प्राप्त करने जा रहे हैं. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. तो इसके साथ ही वर्षा की बूंदें, बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. हवा बिल्कुल तरोताज़ा और मधुर थी. लेंको वेंट आउट. लेंको बाहर चला गया. ही वॉन्टेड टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. वह अपने शरीर पर वर्षा की खुशी को अनुभव करना चाहता था. ही सेड दैट द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स. और उसने वर्षा की बूंदों को नए सिक्कों के समान माना. उसने सोचा कि जो वर्षा की बूंदें हैं वो नए सिक्के हैं, न्यू कॉइन्स हैं. एंड द बिग ड्रॉप्स वर 10 सेंट पीसीज. और उसने माना कि जो बड़ी ड्रॉप्स हैं वो 10 पीसीज के बराबर हैं. एंड द लिटिल वंस वर 5. और जो छोटी बूंदें हैं उसने उसको 5 सेंट के बराबर कहा. ही लुक्ड एट हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न. और उसने अपने पकी हुई फसल के खेत को देखा.
देर वाज अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, और उसके चेहरे पर एक सुकून का भाव था। बट सडनली हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, लेकिन अचानक ही ओलावृष्टि होना शुरू हो गई। लेंको होप दैट इट वुड पास क्विकली, और लेंको ने सोचा कि जल्दी ही खत्म हो जाएगी, बट इट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हेलस्टोन कंटिन्यूड बी फॉलिंग फॉर एन आवर, और ओलावृष्टि 1 घंटे तक होती रही। हिज फील्ड बिकेम वाइट, उसका खेत सफ़ेद हो गया था, एज सॉल्ट, जैसे कि वो नमक हो, एज इफ इट वॉज कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे कि उसको नमक से ढक दिया गया हो। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो फसल थी वो पूर्णतः बर्बाद हो चुकी थी। लेंको वॉज फील्ड विद सैडनेस, लेंको उदास हो गया था। द स्टॉर्म हैड पास्ट, अब तूफान बंद हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। नाउ लेंको स्टॉप इन द मिडल ऑफ द फील्ड, अब लेंको खेत के मध्य में खड़ा था। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, ओलावृष्टि ने कुछ नहीं छोड़ा। देयर फोर दे वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर, और इसलिए उन्होंने सोचा कि अब उनके पास कोई फसल नहीं होगी, इस साल कोई फसल नहीं होगी। द नाइट वॉज अ सोरोफुल नाइट फॉर लेंको, वह रात लेंको के लिए बहुत दुखदाई रात थी। ही सेड टू हिमसेल्फ दैट ऑल देयर हार्ड वर्क हैड गॉन वेस्ट, और उसने अपने आप से कहा कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई थी। देर वॉज नो वन हु कुड हेल्प देम, और उसने कहा कि कोई नहीं था, वहाँ कोई नहीं था जो उनकी सहायता कर सके। ही अलोंग विद हिज फैमिली वुड गो हंग्री दैट ईयर, और वह अपने परिवार के साथ ये साल भूखा मरेगा। लेंको हैड फेथ ओनली इन गॉड, लेंको का केवल भगवान में विश्वास था। ही सेड टू हिमसेल्फ दैट हिज आईज सी एवरीथिंग, और उसने अपने आप से कहा कि उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। लेंको डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड, और लेंको ने भगवान को पत्र लिखने का निश्चय किया। ही रोट दैट ओनली गॉड कुड सेव हिज फैमिली एंड हिम फ्रॉम हंगर, उसने लिखा कि केवल भगवान ही उसको और उसके परिवार को भूख से बचा सकते थे। ही नीडिड 100 पिसोस इन ऑर्डर टू सो हिज फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप कम्स, और उसने उसे फसल बोने के लिए अपने खेत को दोबारा बोने के लिए 100 पिसोस की ज़रूरत थी, और अगली फसल तक आने के लिए, जीवित रहने के लिए। तो उसे अपने खेत को बोने के लिए और नेक्स्ट फसल आने तक जीवित रहने के लिए 100 पीसोस की ज़रूरत थी। ही पुट द लेटर इन एन एनवलप, तो उसने लेटर को एनवलप में डाला। एंड ही रोट ऑन द एनवलप टू गॉड, और इसके ऊपर भगवान का पता लिखा। देन ही वेंट टू टाउन, और तब कस्बे में चला गया, टाउन चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द एनवलप, उसने एनवलप पर स्टैम्प प्लेस की। देन ही ड्रॉप द लेटर इन टू द मेल बॉक्स, और तब उसने लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। लेंको'ज लेटर केम इन टू द हैंड्स ऑफ अ पोस्टमैन, और लेंको का जो ये लेटर था वो एक पोस्टमैन के हाथ लगा, पोस्टमैन के हाथ में आया। ही गॉट सरप्राइज टू सी द एड्रेस ऑन द एनवलप, और एनवलप के ऊपर इस प्रकार के एड्रेस को देख करके वह सरप्राइज हुआ। ही वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली, और वह जोर जोर से हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया। ही सोल्ड द लेटर टू हिज पोस्ट टू द पोस्ट मास्टर टू हिज बॉस, तो उसने पोस्ट मास्टर को वो लेटर दिखाया। द पोस्ट मास्टर ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, पोस्ट मास्टर भी जोर जोर से हंस पड़ा। बट ही इमीजिएटली टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत ही वह सीरियस हो गया। ही एप्रिशिएटेड द ग्रेट फेथ ऑफ लेंको इन गॉड, और उसने लेंको के भगवान में अडिग विश्वास को, ज़्यादा विश्वास की प्रशंसा की। ही डिसाइडेड दैट द लेटर राइटर्स फेथ शोड रिमेन इंटैक्ट, और उसने निश्चय किया कि वह पत्र लिखने वाले के भगवान में विश्वास को नहीं तोड़ेगा, उसको बनाए रखेगा। एंड ही वुड आंसर हिज लेटर, और वह उसके पत्र का जवाब देगा। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड सेवरल ऑफ हिज फ्रेंड्स, और उसने अपने कुछ एम्प्लॉयज और फ्रेंड से पैसे कलेक्ट किए, उनसे मांगे। एंड ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपनी सैलरी का भी एक पार्ट उसके अंदर
शेयर किया, ऐड किया, बट ही कुड नॉट कलेक्ट द 100 पीसोस, लेकिन वह 100 पीसोस कलेक्ट नहीं कर पाया। इट वॉज ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, यह केवल आधे से थोड़े ज़्यादा थे। द पोस्ट मास्टर पुट द मनी इन एन एनवलप, और पोस्ट मास्टर ने एनवलप के अंदर वो पैसे डाल दिए। ही रोट लेंको एड्रेस ऑन इट, और इसके ऊपर लेंको का एड्रेस लिखा। ही ऑल्सो पुट अ नोट कंटेनिंग अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, उसने इसके अंदर एक सिंगल वर्ड गॉड के सिग्नेचर करके उसके अंदर एक नोट डाल दिया। द फॉलोइंग संडे लेंको केम टू द पोस्ट ऑफिस, और अगले संडे लेंको पोस्ट ऑफिस आया। ही आस्ट इफ देर वॉज एनी लेटर फॉर हिम, और उसने उसके लिए किसी भी लेटर के बारे में पूछा। द सेम पोस्टमैन हैंडेड द लेटर टू हिम, और उसी पोस्टमैन ने उसको वो लेटर एक लेटर दिया। द पोस्ट मास्टर लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, पोस्ट मास्टर ने अपने ऑफिस से देखा। लेंको ओपन द एनवलप, और लेंको ने वो लिफाफा खोला। ही शोड नो सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, और उसने पैसे को देख करके कोई हैरानी नहीं शो की। ही काउंटेड द मनी, उसने पैसे गिने। देन ही बिकेम एंग्री, और तब वो गुस्सा हो गया। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड हीज रिक्वेस्ट, और ना ही वह उसकी प्रार्थना को अस्वीकार कर सकते हैं। सो लेंको वेंट अप टू द विंडो, तो इसलिए लेंको विंडो के पास गया। ही आस्क्ड फॉर पेपर एंड इंक, और उसने कागज़ और स्याही मांगी। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। देयर वर रिंकल्स ऑन हिज फेस, उसने अपनी भौहें चढ़ा रखी थी, मीन्स उसके फेस पर रिंकल्स थी। एंड ही रोट, मीन्स वो गुस्से में था। ही रोट इन द लेटर, उसने पत्र में लिखा। दैट ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 पीसोस, और उसने अपने पत्र में लिखा कि उसे केवल 70 पीसोस मिले हैं। ही शुड बी सेंट द रिमेनिंग अमाउंट, भी उसे बचे हुई जो पैसे हैं वो भी भेजे जाने चाहिए। बट इट शुड नॉट बी सेंट टू हिम थ्रू द मेल, लेकिन ये उसे मेल के थ्रू ना भेजे जाएं, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स और चीट्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, वो ठगों का टोला है। इसकी ब्रीफ समरी और चैप्टर में जो कुछ भी है वो मैटर हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस चैप्टर तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंको होप फॉर, तो लेंको को किस चीज़ की आशा थी। लेंको होप्ड फॉर अ शावर ऑफ रेन टू बी अ गुड हार्वेस्ट, लेंको को अपनी अच्छी फसल होने के लिए वर्षा की एक बौछार की आवश्यकता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंको से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, तो लेंको ने ऐसा क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स थी वो न्यू सिक्कों के जैसी थी। ही सेड दिस बिकॉज हिज क्रॉप ओनली नीडिड रेन टू बी क्रॉप गुड हार्वेस्ट। तो ही सेड, उसने कहा कि उसकी फसल को अच्छा होने के लिए केवल वर्षा की जरूरत थी। गुड हार्वेस्ट वुड ब्रिंग हिम रिच मनी, और गुड हार्वेस्ट मतलब उसको क्या देंगे, ज़्यादा पैसे देंगे। सो ही कॉल्ड द रेन ड्रॉप्स वर न्यू कॉइन्स, तो इसलिए उसने जो रेन ड्रॉप्स थी उनको नए सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड रेन चेंज एंड व्हाट हैपन टू लेंकोज फील्ड, द रेन चेंज्ड इनटू अ हेल स्टॉर्म, जो बारिश थी वो हेल स्टॉर्म में चेंज हो गई। इट कंटिन्यूड फॉर एन आवर, और वो 1 घंटे तक होती रही। एज अ रिजल्ट ऑफ इट, और इसके परिणाम स्वरूप लेंकोज फील्ड बिकेम वाइट, लेंको के जो खेत थे वो सफ़ेद हो गए थे। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे कि वो नमक से ढक दिए गए हों। द कॉर्न इन हिज फील्ड वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और उसके खेत की जो फसल थी वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधों से फूल झड़ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर लेंकोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, तो जब तूफान रुका, ओलावृष्टि बंद हुई थी, लेंको की क्या भावनाएं थी। व्हेन द हेल स्टॉर्म स्टॉप्ड, लेंकोज हार्ट फील्ड विद अटर सोरो, और जब जब तूफान रुका तो लेंको का हृदय दुख से भर गया था, वह बहुत दुखी हो गया था। ही फेल्ट कंप्लीटली ब्रोकन, वह कंप्लीटली टूट चुका था। ऑल हीज हार्ड वर्किंग हैड गॉन वेस्ट, उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई थी। ही
ही फेल्ट दैट नाउ ही एंड हिज फैमिली हैड टू गो हंगरी दैट ईयर। उसने महसूस किया कि अब वह और उसके परिवार को इस साल भूखा रहना पड़ेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हु और व्हाट डिड लेंको हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। तो लेंको का किस चीज़ में विश्वास था, लेंको किस चीज़ में विश्वास करता था और तब उसने क्या किया। लेंको हैड फर्म फेथ इन गॉड, तो लेंको का भगवान में विश्वास था, अडिग विश्वास था। एंड ही थॉट दैट ओनली गॉड कुड हेल्प हिम, और उसने सोचा कि केवल भगवान ही उसकी हेल्प कर सकते हैं। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड एंड आस्क 400 pieces, तो इसलिए उसने भगवान को पत्र लिखा और 100 pieces की डिमांड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रीड द लेटर, तो जब लेंको ने लेटर लिखा तो वो लेटर किसने पढ़ा। द पोस्टमैन हैंडेड द लेटर टू द पोस्टमास्टर, तो पोस्टमैन ने वो लेटर पोस्टमास्टर को दिया। एंड द पोस्टमास्टर रीड द लेटर, और पोस्टमास्टर ने लेटर को पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन, जब पोस्टमास्टर ने वो लेटर पढ़ा तो पोस्टमास्टर ने फिर क्या किया। द पोस्टमास्टर डिसाइडेड टू कीप लेंको'स फेथ इन गॉड इंटैक्ट, तो पोस्टमास्टर ने लेंको के भगवान में अधिक विश्वास को या विश्वास को बनाए रखने का निश्चय किया। सो ही आंसर्ड द लेटर, तो इसलिए उसने लेटर का आंसर किया। एंड ही कलेक्टेड अबाउट 70 pieces फ्रॉम हिज इम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स एंड गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी ऑल्सो, तो उसने अपने इम्प्लॉयज अपने फ्रेंड्स से और यहाँ तक कि अपनी सैलरी का पार्ट दे करके 70 pieces को कलेक्ट किया। एंड ही सेंट द मनी टू लेंको, और उसने वो पैसे लेंको को सेंड कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाज लेंको सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, तो क्या लेंको वो पैसे वाला पत्र पाकर के खुश हुआ, सॉरी सरप्राइज हुआ। नो, लेंको वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर, नहीं, लेंको पैसे वाला पत्र वो अपने लिए पाकर के बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ था, बिकॉज इट वाज हिज फेथ इन गॉड। ही न्यू दैट गॉड वुड नेवर डिनाई हिज रिक्वेस्ट, तो वो जानता था कि भगवान उसकी रिक्वेस्ट को कभी टाल नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड हिम एंग्री, तो जब लेंको ने वो लेटर रिसीव किया एंड उसके बाद उसने पैसे को काउंट किया, तो क्या चीज़ थी जिसने उसको गुस्सा कर दिया। तो लेंको ओपन द लेटर, तो लेंको ने लेटर खोला, ही फाउंड लेस मनी इन इट व्हाट ही डिमांडेड, भी जितने पैसे उसने डिमांड किए थे उससे कम पैसे उसको मिले। ही थॉट दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक और डिनाइड हिज रिक्वेस्ट, कि भगवान गलती नहीं कर सकते, ना ही वो उसकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर सकते हैं। श्योरली द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड टेकन आउट द रिमेनिंग मनी, तो निश्चित रूप से ही जो बाकी बचे पैसे थे, रेस्ट ऑफ द मनी, वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने ही निकाल लिए थे। दिस मेड हिम एंग्री, तो इस बात ने उसको गुस्सा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो गाइज ये 3 questions ये आपके लिए हैं, कंप्लीट चैप्टर हो चुका है, तो ये 3 questions आपने अपने आप करने हैं। स्टूडेंट्स डू देम योरसेल्फ। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंको, एनालाइज करें। इससे आपको कॉन्सेप्ट को समझने में भी कितना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है उसका पता चलेगा, कितना आपने उसको अटेंटिवली पढ़ा है, समझा है, इसका एनालाइज होगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डज पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंको, कि पोस्ट मास्टर ने लेंको को पैसे क्यों भेजे, एंड व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और उसने जो लेटर था उसके ऊपर गॉड का साइन क्यों करता है वो। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है, डिड लेंको ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, वाई नॉट, तो क्या लेंको ने उसे पैसे किसने भेजे हैं ये ढूंढने की कोशिश की, वाई, क्यों, यदि की तो क्यों की, और यदि उसने ऐसी कोशिश नहीं की तो फिर क्यों नहीं की। तो ये दोनों लॉजिक आपने बताने हैं, दोनों रीजन कि कोच बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डज लेंको थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपको चैप्टर की जो एक तरह से असेसमेंट है, जो इसका असेंस है, वो पता चल जाएगा कि
लेंको सोचता था कि रेस्ट ऑफ द मनी किसने निकाले हैं, और जो रेस्ट ऑफ द मनी किसने निकाले थे इसमें विडंबना क्या है, व्हाट इज द आयरनी इन दिस सिचुएशन, इस अवस्था में विडंबना क्या है। आई होप ये क्वेश्चन आप करेंगे। जो भी आपके डाउट हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखें, और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।